ब्लड प्रेशर की बीमारी बहुत सारे लोगों में कॉमन होती जा रही है। ख़ास तौर पे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए आज हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन को डिस्कस करेंगे। हाई ब्लड प्रेशर हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इंसान को अंदर से खाता जाता है, और जो क्लिनिक पे आने वाले पेशेंट को जब हम देखते हैं तो ज़्यादातर का डायस्टोलिक यानी जो नीचे का ब्लड प्रेशर होता है वो 90, 100 या 110 पे भी पहुंचा हुआ होता है, और यकीनन ऐसी कंडीशन में दिल के खतरात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हमारा तरीका लाइफ स्टाइल, हमारा खाना पीना, हमारा सोना जागना सब ने हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया है और ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का सबब बन गया है। हाई ब्लड प्रेशर हमारे खून में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, हमारे वेन्स जो है वो सुस्त हो जाती हैं, हमारा दिल जो है वो खून को ज़्यादा पंप करने की कोशिश में, ज़्यादा जिस्म के हिस्सों में पहुँचाने की कोशिश में मज़ीद थकता हुआ जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बात करेंगे हम सिम्टम की, उसके और साथ में कॉज के हवाले से। ब्लड प्रेशर का एक कॉज बहुत ज़्यादा जो कॉमन है वो है कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना। कोलेस्ट्रॉल जब हाई हो जाता है तो जगह जगह ब्लॉकिंग पैदा करता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर नीचे नहीं आता, बावजूद दवा खाने के नॉर्मली वक्ती तौर पे होता है, फिर दोबारा बढ़ जाता है। इलियम स्टैवा हमारी होम्योपैथिक की बहुत बेहतरीन मेडिसिन है, जो ना सिर्फ आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, उसके साथ साथ जो हमारी खून की शरियानें तंग होती जाती हैं उनको भी वो बेहतर करती है और ब्लड प्रेशर को नीचे लेके आती है। याद रहे ये लो पावर में इस्तेमाल होती है। सेकंड नंबर पे जिस मेडिसिन की बात करेंगे वो है अर्जुना। अर्जुना का मुसलसल इस्तेमाल जो हमारे खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ना सिर्फ वो उसको कम करती है, उसके साथ साथ वो दिल को भी बहुत ज़्यादा ताकत देती है, और इसको भी अगर कुछ अर्सा इस्तेमाल कर लें तो हाई ब्लड प्रेशर से या तो बिल्कुल निजात मिल जाती है या काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाती है। याद रहे कि इसके साथ साथ आपने वॉक और एक्सरसाइज ये लाजमी करनी है, ये हमारी जिंदगियों से निकलती जा रही है, और ख़ास तौर पर रात के खाने के बाद आपने लाजमी वॉक करनी है, क्योंकि हम रात को इतना हैवी खाना खा लेते हैं कि वो हजम होना मुश्किल हो जाता है, सारी रात वो हमारे मैदे में आंतों में पड़ा रहता है और वो ब्लड प्रेशर बढ़ाने का सबब बनता है। इसके साथ साथ एक जो बहुत बड़ा रीज़न है वो है तेजाबियत, जिसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और नेट्रम फास होम्योपैथिक मेडिसिन 30 पोटेंसी अमूमन दी जाती है, ना सिर्फ उस तेजाबियत को ख़त्म करती है, कम करती है, उसके साथ साथ जो हाई ब्लड प्रेशर हुआ हुआ होता है मैदे की वजह से उसको भी बेहतर करती है। ये कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन अद्वियात हैं, बाकी आप अपने डॉक्टर के मशवरे से अपने कंडीशन को बताते हुए अपने टेस्ट को देखते हुए आप रिकमेंड करवा सकते हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं।